तो हेलो गाइस, तो कैसे आप चलो, तो कैसे वापस आ चुके हैं जी टी फाइव के अकॉर्डिंग वीडियो के साथ, तो अपने इंडियन कार्स के एक नए चैलेंज के साथ। तो गाइस आज का जो हमारा चैलेंज है यार, उसमें हम लोग चेक करने वाले हैं अपनी 2x4 वर्सेस 4x4 कार्स। तो हाँ गाइस, यहाँ पे आज हमारा चैलेंज है भाई 2x4 वर्सेस 4x4। तो गाइस यहाँ पे जो आप लोग गाड़ियाँ देख रहे हो भाई, ये सारी हैं भाई अपनी 2x4 कार्स, यानी कि भाई जिसमें जो इंजन है भाई आगे की सिर्फ दो ही टायर्स को भाई पावर देता है, 4x4 नहीं है। तो इस लिस्ट में आती है भाई अपनी हैरियर, अपनी भाई वितारा ब्रेजा नई वाली, और गैज़ यहाँ पे अपनी महिंद्रा की बुलेरो नियो, फिर आती गैज़ अपनी एमजी हेक्टर, यहाँ पे अपनी इनोवा क्रिस्टा भी है। तो हाँ भाई, इनको नहीं पता भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा यार 4x4 नहीं है। और गैज़ यहाँ पे अपनी टाटा नेक्सॉन, और गैज़ ये है अपनी पुरानी वाली स्कॉर्पियो, यानी कि अपनी स्कॉर्पियो S11, और ये वाली गाड़ी भी अपने 4x4 में नहीं आती। और फिर जो अपनी गाड़ियाँ 4x4 है वो खड़ी हुई हैं भाई यहाँ पे। तो भाई ये अपनी 4x4 कार्स, और इनमें आती है भाई अपनी स्कॉर्पियो N, जो कि यार पता ही होगा यार 4x4 है, ये अपनी लेजेंडर भाई द लेजेंडरी गाड़ी, मतलब कि यार 4x4 में आती है ये भी। और ये गाइस अपनी फोर्ड एंडेवर, यार इसको कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे गाइस अपनी XUV 700 जो कि 4x4 है, फिर थार तो यार भाई ऑफ रोडिंग किंग है यहाँ पे, और भाई ये है अपनी XUV 500। और गाइस आती है फिर अपनी टाटा सफारी डाइकोर, और जिनको नहीं पता भाई टाटा सफारी डाइकोर क्यों है भाई, नई वाली सफारी क्यों नहीं, तो गाइस आप लोगों को जानने में शायद हैरानी होगी, लेकिन गाइस जो अपनी नई वाली सफारी भाई वो 4x4 नहीं है। तो भाई मैंने भी गूगल में चेक किया भाई, वो वाली गाड़ी 4x4 नहीं आती। लेकिन गाइस जो अपनी स्टोर में ना यहाँ पे यार ये वाली गाड़ी ना पुरानी ज़रूर है, लेकिन यार 4x4 में है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो गाइस, ये लिखा है भाई यहाँ पे, ये गाड़ी जो है 4x4 है। तो भाई अपनी नई वाली सफारी गाइस अनफॉर्चुनेटली यार वो 4x4 नहीं है। मैंने भी गूगल पे देखा तो मैं भी हैरान था यार, कैसे हो सकता है ऐसा। तो गाइस यही सच है। तो भाई जल्दी स्टार्ट करते हैं आज के इस चैलेंज को भाई। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पर अपनी 2x4 गाड़ी को, फिर लेंगे गाइस एक 4x4। तो देखते हैं गाइस कौन सी बढ़िया परफॉर्म करने वाली है। ऑब्वियसली बात भाई 4x4 से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन गाइस 2x4 भी यार कम नहीं है। तो भाई जल्दी शुरू करते हैं इस चैलेंज को। तो गाइस यहाँ पर जो है आज का चैलेंज है भाई, वो शुरू हो रहा है गाइस अपनी एमजी हेक्टर से, जो कि भाई अपनी 4x4 नहीं है भाई, 2x4 कार है। तो भाई देखते हैं गाइस कि अपनी एमजी हेक्टर है भाई यहाँ पे क्या ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ पाती है या फिर नहीं। और लड़के ऐसी चल अपनी एमजी हेक्टर यहाँ पे, और एज भाई मुझे लगा था गाइस यहाँ पे अपनी एमजी हेक्टर को दिक्कत होने वाली है भाई, ये गाड़ी 4x4 नहीं है। ओके फुल थोड़ा लेते हैं फिर ट्राई करते हैं। ओके एक बार फिर से, और ये चली भाई अपनी एमजी हेक्टर यहाँ पे, और बहुत स्किट मार रही है यार। ओ नो गाइस, यहाँ पे अपनी एमजी हेक्टर है भाई, ये नहीं चढ़ पा रही यार। एक बार उल्टा भी ट्राई करते हैं गाइस, हाँ ये सही है, एक बार उल्टा भी ट्राई करते हैं भाई, उल्टा चढ़ेगी। ओके ओ ओ नहीं यार, उल्टी वाली ट्रिक भी काम नहीं कर पा रही यहाँ पे, लेकिन उल्टी ट्रिक से मैं ज़रूर यार काफ़ी ऊँचाई तक पहुँच गया, लेकिन यार इससे ऊपर अब ये गाड़ी नहीं जा पा रही। देख रहे हो भाई कितना स्किड मार रही है। तो गाइस यहाँ पर अपनी पहली 2x4 कार तो यार ऑब्वियसली बात यार फेल हो गई, तो मैं इसको ना साइड में पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब आती है यहाँ पे अपनी यार अपनी 4x4 कार पे, गाइस ये अपनी XUV 700। तो गाइस चाहते अपनी XUV 700 को, और ये अरे लड़की हुई थी, लेकिन गाइस यहाँ पे अपनी XUV 700 तो है भाई। ओहो क्या बात है गाइस, कितनी इजीली ऊपर आ गई। तो भाई ये है भाई पावर अपनी 4x4 की। तो अपनी पहली जो 4x4 कार है भाई यहाँ पे पहुँच गई है, तो मैं इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब आ रही है यहाँ पे अपनी अगली 2x4 कार की, और गाइस ये है अपनी टाटा हैरियर। तो देखते हैं गाइस अपनी हैरियर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगी। वैसी गाड़ी है तो यार 2x4, लेकिन गाइस जो पावर है, ओ मैंने बोला था गाइस में जो पावर भाई ये काफ़ी ज़बरदस्त है, और जा रही भाई जा रही जा रही जा रही, कमॉन कमॉन हैरियर भाई, बहुत ज़्यादा स्किड मार रही है, और ओ ओ ओ ओ चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। अरे यार हैरियर कहाँ पे पहुँच गई है यार, ओ नो। लेकिन मुझे इतना भरोसा है भाई इस गाड़ी पे, इसको मैं अगर दोबारा से लाऊंगा ना तो यार ये गाड़ी ऊपर ज़रूर से पहुँचेगी, और भाई देख लो यहीं से चढ़ने को तैयार। तो गैस पावर तो है यार अपनी हैरियर में। ओके चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, और गैस यहाँ पर अपनी पहली 2x4 कार अपनी टाटा हैरियर। तो भाई टाटा पावर यहाँ पर देखने को मिल रही है एक बार फिर से हमें, तो मैं इसको भी यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। और मुझे भरोसा था भाई अपनी हैरियर पे यार कि यार ये गाड़ी तो यार ऊपर आएगी आएगी। तो अपनी पहली भाई 2x4 कार भी आ गई यहाँ पे। तो गाइस अब बाहर आती है यहाँ पे भाई 4x4 कार की, गाइस ये अपनी मोस्ट डिमांडिंग कार हमारे गेमिंग चैनल की भाई, ये अपनी फोर्ड एंडेवर, और इसमें गाइस अपनी एंडेवर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। ओके ये चली भाई अपनी एंडेवर, वो पावर देख लो गाइस एंडेवर की, क्या 50 की स्पीड से 1 सेकंड में ऊपर। तो यार यही तो पावर है भाई अपनी एंडेवर की। तो मैं इसको भी यार जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, और कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ना भाई अपने एंडेवर का पता ही नहीं लगा बिल्कुल। तो इसको इधर ही पार्क करते हैं। तो गाइस अब पारी आती है यहाँ पे अपनी एक और 2x4 कार की, और गाइस ये अपनी वितारा ब्रेजा। और आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे अपनी वितारा ब्रेजा काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया चलती है भाई, पावर भी इसमें अच्छी खासी है भाई, 4x4 की गाड़ी नहीं है। तो देखते हैं गाइस, वैसे मुझे लग रहा है गाइस ब्रेजा कर सकती है। और भाई यहाँ पे फर्स्ट गियर पे गाड़ी जो 20 की स्पीड डाउन जा रही है, और भाई पीछे वाला टायर जो है गाइस काफ़ी स्किट मार रहा है उसका, लेकिन मुझे लग रहा है गाइस ये गाड़ी ऊपर पहुँच सकती है। ओके वो बहुत स्मोक आ रहा है भाई, बहुत स्मोक देख सकते हो, कितना ज़्यादा धुआं उड़ा रही है ये,
चढ़ जा 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 चढ़ जा, ओ ओ ओ चढ़ गई गाइस चढ़ गई। यहाँ पे भाई अगर थोड़ा सा अगर और टायर यहाँ पे घिसता ना तो पक्का वो ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन गाइस अपनी जो गाड़ी अपनी विटारा ब्रेजा नई वाली यार ये ऊपर पहुँच गई है, तो मैं इसको भी यहाँ पे पार्क करता हूँ। भाई कौन कहता भाई 2x4 कार का, मैं यार देख रहा हूँ यार एकदम आ रही एकदम मक्खन की, मक्खन तो नहीं बोलूँगा लेकिन यार ऊपर तो आ रही यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो गाइस अब बारी आती है अपनी लेटेस्ट 4x4 कार की, और गाइस ये अपनी स्कॉर्पियो एन, तो देखते हैं गाइस अपनी स्कॉर्पियो ने गाइस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। और ये चीज गाइस अपनी स्कॉर्पियो एन यहाँ पे, और गाइस जो अपनी स्कॉर्पियो एन है यार 4x4 मतलब 4x4 गाड़ी है ना भाई, बहुत मतलब खतरनाक वाला परफॉर्मेंस यार इन गाड़ियों का, तो यार बहुत ही जल्दी ऊपर चढ़ जा रही है। तो अपनी स्कॉर्पियन को भी ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक और भाई काफ़ी पॉपुलर कार की, और गाइस ये है अपनी इनोवा क्रिस्टा। और जिस किसी को भी लगता है भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा की यार 4x4 में आती है, तो भाई जाके चेक कर लो गूगल पे यार, ये गाड़ी 4x4 तो नहीं होती है। तो ये चली गई अपनी इनोवा क्रिस्टा यहाँ पे, और देखते गए अपनी इनोवा क्रिस्टा काफ़ी हैवी कार है, और यार अपनी इनोवा क्रिस्टा चढ़ रही है यार ऊपर, क्या बात है भाई क्या बात है गाइस। अपनी जो लेटेस्ट इनोवा क्रिस्टा गाइस 2.7 वाली यार, ये तो काफ़ी इजीली ऊपर आ गई यार बिना 4x4 के यार, काफ़ी मस्त परफॉर्मेंस यार इसकी भी यार, मतलब 4x4 नहीं लेकिन गाइस फिर भी काफ़ी सही तरीके से आई यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा की XUV500 की, और मुझे यार अपनी जो 500 गाइस ये गाड़ी काफ़ी पुरानी ज़रूर हो गई है लेकिन यार मुझे काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है ना एकदम मतलब अलग लगती है मुझे अपनी XUV700 से कंपेयर करें तो। और गाइस यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो गाइस क्या बात है गाइस, अपनी 500 है ना यार, मैं बता रहा हूँ ना इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पसंद आती है। और गाइस देखते हो 4x4 कार है काफ़ी आराम से आ गई, और मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे शायद अपनी कोई भी 4x4 कार यार यहाँ पे फेल होने वाली है। लेकिन गाइस कमाल की बात तो ये, अरे कहाँ अटक गया यार ये, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो कोई नहीं इसको यहाँ पे पार्क करके गाइस लेते हैं अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे टाटा नेक्सॉन की, अपनी एक और 2x4 कार की, और कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है गाड़ी, तो देखते हैं गाइस अपनी टाटा नेक्सॉन यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। और ये चले गए टाटा नेक्सॉन, और फर्स्ट गियर पे जा रही है लगातार स्किड मार रही है, धुआं 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 देने वाली, धुआं देने वाली है, और ओ चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, कमॉन कमॉन कमॉन, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ओ ओ ओ थोड़ा सा और कमॉन, ओ नो, ओ कैसे चढ़ाऊँ मैं इसके ऊपर, ये तो चढ़ नहीं रही यार, अपने बैक जा रही है वापस, टायर हीट हो चुके बहुत ही ज़्यादा इसके, कमॉन 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 कमॉन, ओके एक टायर मेरा आ चुका है एक टायर, क्योंकि भाई 2x4 कार के भाई दो ही टायर्स में ट्रैक्शन होता है भाई इसका, मुझे किसी तरीके से यार पीछे का टायर ऊपर लाना ही पड़ेगा। ओ नो अटकी पड़ी है यहाँ पे अपनी गाड़ी, थोड़ी सीधी कैसे करूँ मैं इसको, कैसे पहुँचाऊँ, वैसे गाड़ी यार ऊपर तो आ गई है, ओ हाँ आ गई। तो गाइस यहाँ पे टाटा नेक्सॉन भाई अपनी 2x4 कार एक और ऊपर आ गई है, वैसे यार एक बात तो है अपनी 2x4 कार भाई जब तक ऊपर पहुँचती है ना भाई तब तक भाई स्किड मारना शुरू ही कर देती है, तो मैं इसको बिना इधर पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा थार की, अपनी ऑफ रोडिंग किंग की, और गाइस अपनी थार यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है, और ये चीज गाइस अपनी थार यहाँ पे और क्या मस्त तरीके से जा रही है यार, और गाइस पहुँच गई। तो गाइस यहाँ पे अपनी थार की जो परफॉर्मेंस यार काफ़ी ज़बरदस्त है, और थार की परफॉर्मेंस मस्त कैसे ना हो यार, ये तो बनी इन सब चीज़ों के लिए है, तो इसको यहाँ पे पार्क करते हैं। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो S11 की, अपनी ही भाई लेजेंडरी वाली गाड़ी भाई, तो देखते हैं गाइस अपनी स्कॉर्पियो S11 यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये चीज़ अपनी स्कॉर्पियो S11 यहाँ पे, ओहो क्या बात है गाइस, ये गाड़ी 2x4 मतलब समझ रहे हो भाई, 2x4 होने के बावजूद यार ऐसी परफॉर्मेंस अगर कोई गाड़ी दे सकती है तो उसका नाम है भाई अपनी ये स्कॉर्पियो S11। तो यार इसीलिए मुझे ये गाड़ी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको यहाँ यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टोयोटा की यार, अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, और गाइस अपनी लेजेंडर यार यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है, तो ये चीज़ गाइस 4x4 लेजेंडर, और गाइस मुझे तो पता है भाई लेजेंडर जो है ना यार ये गाड़ी मतलब पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, और गाइस साथ में 4x4 भी है, तो यहाँ पे गाइस लेजेंडर भी ना पहुँच गई काफ़ी इजीली, और ये धुआं कैसा निकला अचानक से, कोई बात नहीं यार तो इसको यहाँ पार्क करते हैं। तो गाइस अब पार आती है यहाँ पे अपने महिंद्रा की बुलेरो नियो की, और देखा गाइस बुलेरो नियो यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है, और ये चलिए गाइस अपनी नियो 2x4 है ये वाली, ओके ओके, और गाइस अपनी नियो को देख रहे हो यार, महिंद्रा और टाटा यार मतलब काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रही है यहाँ पे यार, मतलब कि 4x4 नहीं है लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ रही भाई इन गाड़ियों में, तो मैं इसको भी ना यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे टाटा सफारी स्टॉर्म की, काफ़ी ज़्यादा पुरानी गाड़ी हो चुकी है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता यार इसका 4x4 कैसा काम करने वाला, लेकिन गाइस देखते हैं 4x4 तो यार काम करना ही चाहिए। ओके ये चलिए अपनी टाटा सफारी स्टॉर्म यहाँ पे, और फुल थ्रॉटल है, और यहाँ पे गाइस अपनी टाटा सफारी स्टॉर्म काफ़ी स्किड मारी, लेकिन यार 4x4 कमॉन, और चढ़ गई भाई, एक टायर मिल जाएगा गाइस, खाली एक टायर को ट्रैक्शन मिल जाए ना 4x4 में तो गाइस काफ़ी इजीली आ जाती है,
और गैस यहाँ पर देखते हो नहीं सारी 4x4 आ चुकी हैं। लेकिन गैस अगर 2x4 की बात की जाए तो भाई एक गाड़ी खाली नहीं यहाँ पर, वो थी गैस अपनी MG हेक्टर। तो यार ये चीज़ काफ़ी बुरी हुई। लेकिन गैस बाकी सारी गाड़ियाँ जो अपनी 2x4 में आ चुकी हैं। तो ऐसे के साथ जो हमारा आज का चैलेंज है गैस यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है भाई आपको आज का ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। पसंद आए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता है तब तक के लिए, बाय, टेक केयर।